इस बीच एक और बड़ी खबर सीतापुर से है। कांग्रेस नेता के पिता पर जानलेवा हमला हुआ है। कांग्रेस नेता के पिता की गाड़ी पर दरअसल पथराव हुआ और पथराव के साथ ही फायरिंग किए जाने के भी आरोप लग रहे हैं। हमले में कांग्रेस नेता के पिता के पांव में भी चोट आई है। सिधौली कोतवाली क्षेत्र के अशोधन गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक कांग्रेस नेता के पिता की गाड़ी पर पथराव हुआ और फायरिंग किए जाने का भी आरोप लगा है। देखिए, हमले में कांग्रेस नेता के पिता के पैर में चोट लगी है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सीतापुर से बड़ी जानकारी, तस्वीर आपके सामने, ये गाड़ी है। देखिए किस तरीके से पथराव किया गया, गाड़ी का शीशा टूटा नजर आ रहा है और उसके बाद देखिए ये शिकायत दर्ज करवाई गई है पुलिस में। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसी में पवन यादव जी और उनके फादर पीएल यादव जी इनवाइटेड थे। हम सब लोग वहीं पे गए हुए थे। तकरीबन 11 बजे वहां से निकले तो रास्ते में गाड़ी खड़ी भी मिली। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये बड़ी खबर है ग्रेटर नोएडा से। इस वक्त आपको बता दें, चाय की दुकान में सिलेंडर में विस्फोट हुआ। हादसे में 9 लोग झुलसे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट के पास ये हादसा बताया जा रहा है। हादसे में 9 लोगों के झुलसने की खबर। जेवर के किशोरपुर गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की साइट के पास ये हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से। इस वक्त चाय की दुकान में विस्फोट। अब किस वजह से ये विस्फोट हुआ, इसको जानने की कोशिश। 9 लोग इसमें झुलसे हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बुरी हालत ये तस्वीरों के जरिए देखिए, बुरी तरह से ये 9 लोग झुलस गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं सवेरा सुपरफास्ट। श्रावस्ती में जिला अस्पताल में वकीलों ने डॉक्टर्स के साथ हाथापाई की, जिसके बाद आक्रोशित डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में ओवरलोडेड ढक्कामार बस का वीडियो वायरल। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग प्रशासनिक अधिकारी बने हैं मामले में अनजान। बस्ती में ज्वेलरी शॉप पर महिलाओं ने किया हाथ साफ। सोने की बाली चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुई महिलाएं। महिला चोरों के गिरोह पर पुलिस नहीं ही लगा पा रही है कोई लगाम। मथुरा में चोरों ने ज्वेलरी शॉप में की लाखों की चोरी। चोरी का सीसीटीवी फुटेज आए सामने। पिछले 4 दिन में 2 ज्वेलर्स की दुकानों को बना चुके हैं निशान। बागपत में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की गला घोटकर की हत्या। यही नहीं, मां को बचाने आए पिता पर भी हमला बोला। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। अमरोहा में दबंगों ने महिला को बैलगाड़ी से बांधकर पीटा। मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना रजबपुर के गांव सलाडपुर का मामला। फिरोजाबाद के सत्यनगर टापा कला में एक युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक के परिजनों ने बड़े भाई के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ में युवक की मौत के 24 घंटे बाद भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी युवक की मौत। राजस्व मंत्री अनुप प्रधान ने अधिकारियों को लगाई फटकार। मौन उपवास पर बैठे धारचूला विधायक हरीश धामी। सरकार पर लगाया आपदा। पीड़ितों से सौतेले व्यवहार का आरोप। धारचूला और मुनस्यारी को बचाने की उठाई मांग। जोशीमठ दौरे के बाद श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल। बोले, प्रभावितों के वन टाइम सेटलमेंट पर विचार कर रही है सरकार। विशेषज्ञ बताएंगे जांच के आधार पर कैसे की जा सकती है मदद। जोशीमठ में दरार वाले भवनों पर एक्शन लगातार जारी। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को टीम ने गिराया। बुलडोजर से की गई कार्रवाई। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।